तमाम लोगों को होली की ढेर सारी रंग भरी शुभकामनाएं। कवियों को शिकायत है कि लोग जरा कम हैं। मैं एक निवेदन कर दूं, लाखों की भीड़ होती तो भी अच्छा सुनने वाले इतने लोग होते, इसलिए संख्या पर न जाएं। बहुत अच्छा आप सब लोग सुन रहे हैं, ऐसी छोटी सी टीम लेकिन कितना सार्थक सुनाने वाले, बहुत अच्छा लगा। त्रिपाठी जी ने आप लोगों के निर्देशन में बहुत अच्छी टीम जुटाई है। मैम ने क्या बढ़िया सरस्वती वंदना की। अभी तो मैं पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में फंसा, कवियत्री ने सरस्वती वंदना की और इतना बेसुरा गा रही थी, और वंदना के बोल थे माँ मुझे स्वर का ज्ञान दे। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह मांग वाजिब है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि संपत सरल जी आपके दो चार ऑडियो वीडियो वायरल क्या हुआ कि आप पैसा बहुत लेने लग गए। मैंने कहा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या है। तो जितना भी सुनाया बहुत अच्छा सुनाया सब लोगों ने, महिलाओं को लेकर के काफ़ी बातें की। आप हल्के में मत लिया करो इन लोगों को, बहुत अच्छा लगता है लोग से परिवार बैठे। और देखो शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है, और भारतीय स्त्री के तो कहने ही क्या। वो पति ने डींग हांकते हुए कहा पत्नी से मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। वो बिचारी जो घर में भुगतती है सारी जिंदगी और आदमी के मुंह से धन्यवाद भी नहीं निकलता। वो पति ने दफ्तर से फोन किया, देखो भारतीय पुरुष का चरित्र बताता हूं मैं आपको। पति ने दफ्तर से फोन किया, बोले आज खाने की इच्छा नहीं है, तबीयत जरा खराब है, एक आलू लूंगा। घर आया तो पत्नी ने एक आलू उबाल के छील के धर दिया। अब पति तो पति भारतीय पति, बोले आलू सिका हुआ खाने की इच्छा थी और उबाल के धर दिया। दोनों में इतनी तूतमम हुई कि भूखे सोए। 10-15 दिन बाद जब फिर आलू की इच्छा प्रकट की तो उस भली भारतीय महिला ने इस बार सेक के छील के धर दिया। उसको तो फिर चार बात सुनानी थी, बोले कोई आदमी रोज रोज सिका हुआ खाता है क्या। फिर तूतमम हुई, दोनों भूखे सोए। 10-15 दिन बाद जब उसने फिर आलू की इच्छा प्रकट की तो उस भली भारतीय महिला ने वैवाहिक जीवन के 25 सालों का सारा कौशल लगा करके एक आलू तो उबाल दिया और एक सेक दिया। लेकिन उसको तो फिर कुर्नस निकालनी थी, बोले शादी को 25 साल हो गए, अपने माँ बाप के यहाँ से क्या सीख के आई, जिस आलू को सेकना था उसको तो उबाल दिया। इसलिए ये लोग कोई सुधार नहीं है, क्लब के लोग हैं और सेवानिवृत्त अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं। वो दौर अलग था बाबूजी, जब आप लोगों ने सेवाएं दी होंगी, अब तो बस पूछो मत आप जो भी है। अभी तो सामने कोई नेता नहीं है, अच्छी बात है, वरना तो आजकल नेताओं को लेके हंसना मुश्किल है, पता नहीं कौन किस पार्टी का निकल जाए। एक नेता थे, मैंने ऐसे पूछ लिया था, विधायक थे, मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो क्या, बोलो नहीं बीजेपी में हूँ, कांग्रेस में घंटे भर पहले था। और देखो इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहती है, इतना बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस में तोड़फोड़ में लगी रहती है। कितना आत्मविश्वास गिर गया। अगर इसी तरह से कांग्रेसियों को भाजपा ही शामिल करते रहे तो हो सकता है 2024 में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो हाथ के पंजे में कमल का फूल। और ये थोड़े दिन की बात है, दल बदल और इस तरह के नेताओं की खरीद फरोख्त और तोड़ा फोड़ी। मोदी जी जल्दी इंडिया को इतना डिजिटल कर देंगे कि तमाम नेता जो है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे आपको। और बूढ़े और रिटायर नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को ओएलएक्स पर डाल सकते हैं। और
और ऐसे में कह रहे हो कि आप हंसो मत, किस पे हंसे? मुझे अभी पूछ रहे थे, बोले साहब आप लोगों को कभी कोई धमकी उमकी नहीं मिलती आप इतना सब बोलते हो? हमारे भी घर से फोन आ जाए तो इतने दबाव में जाते हैं। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब आपको कोई धमकी उमकी इस तरह का, मगर मैं सोशल मीडिया पे सक्रिय हूँ नहीं, आमने सामने भी दिक्कत नहीं। और अभी भी कह रहे थे कि मुझे तो भाजपा ही ज़्यादा सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो जो कुछ नहीं कह पाते बेचारे मैं बोलता हूँ। 2 साल पहले तक तो मेरे ऑडियो वीडियो भाजपा ही एक दूसरे को भेजते थे कि देखो नालायक क्या कह रहा है, और जब से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है तब से वो ये कह करके फॉरवर्ड करते हैं कि यार बात तो ठीक कह रहा है। लेकिन मैं क्या सहज रहता हूँ, अभी 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए तो ऐसे ही एक आदमी ने मुझे फोन किया चिढ़ाने के लिए, बोले योगी जी जीत रहे हैं। मैंने कहा इस बात का तनाव तो मोदी जी को होना चाहिए। मैं तनाव नहीं लेता। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए और मोदी जी को बढ़त मिल रही थी तो गुजरात से एक फोन आया मेरे पास, सच्ची घटना है, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। कांटा निकाल रहा था वो, भाई इतना खिलाफ बोल रहे हो उसके बावजूद भी जीत रहे हैं। मैं सहज रहता हूँ, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा जी हाल चाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते। फिर उसने दहला मारा, बोले फिर जीत रहे हैं मोदी जी। मैंने कहा अच्छा हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो तनाव मत पालो, आनंद लो जिंदगी के। एक दिन एक इनकम टैक्स के अधिकारी थे, उन्होंने ऐसे मजाक में कह दिया, बोले इतना सब बोलते हो ना मोदी सरकार के लिए, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब हिंदी साहित्य का जो लेखक है उसकी लाइब्रेरी में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? फिर भी अगर मान लो ऊपर के दबाव में आप कुछ पकड़ा दकड़ी और फंसाने की कोशिश करोगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो जीवन में तनाव मत लिया करो। बैठिए साहब आप, खाली कुर्सियों के बावजूद लोग खड़े हैं। दरअसल हिंदुस्तानी आदमी ऐसी किसी चीज पर बैठना नहीं चाहता जिस पर लेट नहीं सकता हो। यथा हंसोगे तो बचोगे। बड़े लोगों ने घर में अपनी चाकी देखी होगी ना हाथ वाली, उसमें एक कीला होता है, वही दाना पीसने से बचता है जो कीले के साथ लग जाता है। ये हास्य जो है ना वही कीला है। अभी जैसे पता नहीं इसको उत्थान कहते हैं, मैं तो इसको गिरावट समझता हूं, रथ से चले थे बुलडोजर तक आ गए। ये न उतार है न चढ़ाव है, मेरे ख्याल से ये उतार का चढ़ाव है। ये भाषा इस तरह की बोली जा रही है, दुनिया तो मोहब्बत से चलती है। जंगल में जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाते हैं जो आपसी रगड़ सी चिंगारी पैदा करते हैं। दुनिया मोहब्बत से चलती है, ये अपना काम करके निकल लेंगे, भुगतना सोसाइटी को और देश को पड़ता है, ये सब चीजें जो है। लेकिन आतंक आप देखो भय कितना है कि अभी एक मिसाइल चली, मतलब बिना बटन दबाए भी मिसाइलें चल करके उधर ही गिर रही हैं। भय का वातावरण देखो आप, एक कैसेट बजता रहता है। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। ये हाल है, तब आप देखो। मेरे ख्याल हरिशंकर परसाई जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि देशभक्ति देवी देवताओं से सीखो। 33 कोटी हैं, 1947 में देश का विभाजन हुआ, एक भी उस तरफ नहीं गया।
सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास की सोच रहे हैं। भ्रष्टाचार जरूर कम हुआ है 7-8 साल में, ये एक बात माननी पड़ेगी। रेट डबल हो गए, गारंटी आदि है। बिजनेस एकदम आसान हो गया, कोई भी आदमी किसी भी समय कोई भी बिजनेस कर सकता है, ये बात तो माननी पड़ेगी। खुलापन आ गया उदारीकरण के बाद में। हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें सुविधाएं खूब है लेकिन सुख कम हो गए। पहले चुनौतियां थी, संघर्ष था, लेकिन आनंद भी आता था, रोमांच था उसमें। भौगोलिक दूरियां घट गई, आदमी से आदमी दूर हो रहा है, अब आदमी खुद से दूर होता जा रहा है। अगर हम सारे दिन इसी में लगे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम हमारे खोखलेपन से भागना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। ये सब मनोरंजन और इतना सतही जो चीजें हो रही हैं, ये उस खोखलेपन से मुक्ति के प्रयास हैं, समझ नहीं पा रहे हम। हमने बंदर के हाथ में उस तरह के नुकसान तो नहीं देखे, लेकिन आदमी के हाथ में मोबाइल के देख रहे हैं। इंसान के हाथ में पंजे में मोबाइल के आया, इंसान खुद मोबाइल के पंजे में आ गया। तो धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो। निदा फाजली साहब ने एक शेर कहा ना, मैं थोड़ा बदलता हूं उसको। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटाकर देखो। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, बुजुर्ग बड़े उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, पुराना समय उसकी विसंगतियाँ और विरोधाभास यूट्यूब पे खूब पड़ी है, खूब लोग सुनते हैं, लेकिन ये सामने सामने में ज़्यादा रंग देती है। आप जितनी देर चाहोगे खूब सुनाते रहेंगे, मेरी तो सुबह 5:40 की फ्लाइट है। और वैसे भी कवियों को कौन सुनता है आदमी, खूब हंसो और खूब तालियां बजाओ। हंसने से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और तालियां बजाने से वायरस मरता है। पहली पंक्ति से पकड़ लो, आज की शाम बहुत अच्छी गुजरी। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एकाध के पास होती थी और समय सबके पास था। और अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां उठेंगी। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5,000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बना। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आप लोग 2 पैसा देते हो, हम कवियों के घर चलते हैं। हम बहुत सुविधापूर्ण जीवन जीते हैं, हमारे बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, सबके घर हैं, सबके साधन सुविधाएं हैं। उसके बाद कवि सम्मेलन हमारे लिए धंधा नहीं है, एक मिशन है। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल इंटरनेट में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। दोस्तों एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। पुराने समय के विरोधाभास देखें, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी, हर व्यक्ति को साथ साथ पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था, आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, मातृभाषा, जैसे आप मराठी बोलते होंगे या पंजाबी, सिंधी या अवधी, भोजपुरी, जो भी। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था और एक संकेत वो पहले भी कर चुके थे, अगली पंक्तियों पर आप तालियां रोक नहीं पाएंगे, क्लब का प्रोग्राम है, देखें। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे, अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चलेगा, बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा। जो चैनल देखो क्रिकेट, एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं
तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आए कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं। आवारा पूंजीवाद, क्या बात, क्या शब्द है। उसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी और मिल गई, उससे मनुष्य के भीतर असुरक्षा बहुत आ गया। लाखों करोड़ों जमा है, उसके बावजूद चिंता रहती है कल क्या होगा। बड़े लोग या बैठे हैं, अपना बचपन और जवानी याद करो। दो जोड़ी कपड़े होते थे, वो भी घर में किसी के बड़े के फिट करवा लिए, एक धोखे सुखा दिया, दूसरे पहन के निकल लिए। प्रेस भी तकिए के नीचे दबा के होती थी। आज वार्डरोब आलमारी कपड़ों से भरी रहती है और आधे घंटे तक आदमी तय नहीं कर पाता किस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करेगा। हमने ये कीमत चुकाई और अभी पता नहीं कहाँ जाके ठहरेंगे। तब आप व्यंग देखे, लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा ले कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गतराती ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे, बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। सूरपन खां मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। यहीं आकर के मंजिल का पता मालूम होता है। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आधे घंटे का सफर होता था तो भी लोग तीन वक्त का खाना बांध कर चलते। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान देखना, साइकोलॉजी और पकड़ लो तो मुझे तालियों से बताना। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था, फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और जो सबसे मार्मिक बंद है, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। टेलीविजन ने एक नुकसान यह किया कि जो सुनने वाली कलाएं थी उनको देखने वाली कलाएं बना दिया, तो आदमी का ध्यान बढ़ जाता है और हम उतना ग्राह्य नहीं कर पाते एकाग्र होकर के। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकीनंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी, गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते। बड़ी मोहब्बत दी आज की शाम के नाम ये पंक्ति, साथ रखना बच्चों को सुनाना कि हमने क्या खो दिया और क्या हासिल करना है। मोहब्बत के साथ सुना रहा हूँ, समापन पर तालियां बजा देना वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूँ। सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।